जाके बहरे बसल लागे केहू से फसल, राजा फोनो न करे रहे ओही से सटल। घर में गाना बजा सकते हैं या आप बताइए पहले? बता रहे समाज को क्या संदेश देना चाहिए, बताइए। सबसे बड़ी समस्या भोजपुरी की है पब्लिक। हाँ। जिस दिन पब्लिक अगर चाह जाएगी कि भोजपुरी में अश्लीलता खत्म हो, उसी दिन आप न बंद कर सकते हैं अश्लीलता, न कोई सिंगर। अगर पब्लिक सुनना बंद कर दे तो अश्लीलता खत्म हो जाएगी अचानक। नाली में लसार देला, चोलिया के फर देला, खाके पगला ले भांग के गोलिया जी, कि हमारा के बुझेला का पगली जी, हाँ हाँ पगली जी, अशोक के ट्रेंड पूरा बदली जी, रंग पिचकारी डालम असली जी। भोजपुरी में किसको अपना आदर्श मानते हैं? भोजपुरी में हम अपना आदर्श पवन सिंह को। एक गाना हो जाए पवन सिंह का, हो सकता है कि वो भी इंटरव्यू को देखे। सनहिया लगावल बहुत बात नइखे, नजरिया चोरावल बहुत बात हो। सबसे बड़ी मूर्ख कौन है? पब्लिक है। सबसे बड़ी मूर्ख पब्लिक है। अगर पब्लिक चाहेगी अश्लीलता बंद हो, पब्लिक चाहेगी जातिवाद बंद हो, तभी बंद हो सकता है। तो इसमें जहाँ पे विवाद स्टार्ट है वहाँ पे वो साथ में दारू पीते हैं, बैठते हैं, मजे लेते हैं और पब्लिक झगड़ा करती है। दारू भी पीते हैं? देखिए बड़ा बड़ा खुलासा, विवेक पांडे का ये कहना है कि खेसारी लाल और पवन सिंह दारू पीते हैं। अब बताइए अगर इतने बड़े बड़े स्टार जब दारू पियेंगे तो गाँव में लोग दारू नहीं पियेंगे, सब लोग दारू पियेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीजी न्यूज, मैं प्रवीण, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों इस वक्त मेरी मौजूदगी है जौनपुर में और आपको बता दें कि लगातार भोजपुरी इंडस्ट्री की बात करें तो विवादों से घिरा रहता है, और अगर ऐसे में अगर विवाद की जब बात आती है तो वहां पे सबसे पहले अश्लीलता शुरू होती है। और अश्लीलता में अगर हम बात करें तो बहुत सारे सिंगर ऐसे हैं कि जो कि रातों रात अश्लील गाने गाकर मार्केट में हाईलाइट होना चाहते हैं, और तमाम प्रकार की ऐसी खबरें जो होती हैं वो बिहार से वायरल होती रहती है। और ऐसे में मेरे साथ आज यूपी बनारस के एक ऐसे लाल हैं जो कि लगातार ये काम करते करते उब गए थे और अभी ये शुरू कर दिए हैं अश्लील गाना, और ये अश्लील गा दिए हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। और ये भाई साहब आज जौनपुर में नसीब से मिल गए हैं और हम लोग सोचे कि इनका थोड़ा रिलाई कर ही दिया जाए, कि सब लोग जब अच्छा काम कर रहे हैं तो आप फिर क्यों गलत करने के लिए उतर गए हैं। तो ऐसे में आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये है विवेक जी, और अभी बहुत जल्दी से ये भोजपुरी इंडस्ट्री में उभर रहे हैं और हम लोग बातचीत करने की कोशिश करेंगे। विवेक जी, जो आपका विवादित गाना वायरल हुआ है, कि जरा बोल हमारे दर्शकों को बताएं। सबसे पहले तो पीजी न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम, और जो मेरा गाना वायरल हो रहा है और जो मैं आप बोल रहे हैं कि विवादित गाने हैं, तो आप हमें बताइए कि आजकल भोजपुरी में कौन ऐसा सिंगर है जो विवादित गाने नहीं गा रहा है, जो अश्लीलता नहीं फैला रहा है, चाहे वो स्टार लेवल पे हो चाहे वो लोकल सिंगर हो। और सबसे ज़्यादा अश्लीलता स्टार लेवल पे ही लोग कर रहे हैं। आप हमें बता सकते तो बताइए कौन है जो अश्लील नहीं गा रहा है। पहले आप अपने गाने की लाइन सुनाइए, दर्शक वो खुद डिसाइड करेंगे कि आप अश्लील हैं या बड़े सिंगर अश्लील हैं, क्योंकि उनके ऊपर देन होती है और दर्शकों को भगवान माना जाता है, वही अपना प्यार आशीर्वाद दे के आगे बढ़ाते हैं। जरा आप अपने गाने की जरा लाइन सुनाएं दर्शकों को। चलिए हम सुनाते हैं पीजी न्यूज़ के द्वारा अपने गाने को। जाके बहरे बसल लागे केहू से फसल, राजा फोनो न करे रहे ओही से सटल, घर में के चिजुआ से उबल सैया, हाँ हाँ उबल सैया, बकलंडी सैया लेके सुतेला साथे रंडी सैया, बकलंडी सैया लेके सुतेला साथे रंडी सैया। अच्छा ये बताइए कि ऐसे ऐसे शब्दों को आप लोग गाने में समावेश करते हैं तो ये लिखता कौन है, इसका अर्थ जरा बता सकते हैं, इसका अर्थ क्या होगा? दरअसल कुछ बहुत सारे राइटर बताते हैं कि गाने का जो बोल होता है वो कुछ और होता है लेकिन अर्थ कुछ और होता है, आप जरा इसका अर्थ बताएं क्या होता है। ऐसा है कि इस गाने का राइटर मैं खुद हूँ। हाँ हाँ। और इस गाने का अर्थ जो है, आप देखे होंगे घरों में, जैसे अगर आपकी शादी हुई होगी तो शायद आपको पता होगा कि आप कहीं घर लेट से जाते हैं या कुछ ऐसा वैसा करके जाते हैं, तो औरत पूछती है ना कि आप इतना कहाँ लेट करके आए हैं, कैसे। बहुत सी औरतें होती हैं जो गाली देने लगती हैं, बोलती है, तो मैं उनके दिल का बात बोला हूँ। हाँ। वो छुप के बोलती हैं, हम खुल के बोल दिए हैं। हाँ। यही बात है। तो मतलब बकलंडी और रंडी आप यूज करेंगे?
तो वो औरत बोल रही है कि मैं अपने मर्द को गाली दे रही है वो, तो मैं भी इसका जरा अगला लाइन सुनाओ तो मुखड़ा सुनाओ दर्शकों को। किसे कहीं दुख अपना हो, सही भइल बाटे सपना हो। किसे कहीं दुख अपना हो, सही भइल बाटे सपना हो। कि बहरी के चिजुआ में डूबल सैया, हाँ हाँ डूबल सैया, बकलंडी सैया, लेके सुतेला साथे रंडी सैया। तो देख लीजिए कि ये भी रातों रात मार्केट में हिट होने के लिए बकलंडी और रंडी अब गाना शुरू कर दिए हैं। चोली और लहंगा तो गाते गाते सब लोग पूरा भोजपुरी में गदर मचा दिए थे, लेकिन अच्छा ये बताइए समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? आप अपने घर में गाना बजा सकते हैं या आप बताइए पहले? बता रहे समाज को क्या संदेश देना चाहते, बताइए। सबसे बड़ी समस्या भोजपुरी की है पब्लिक। हाँ। जिस दिन पब्लिक अगर चाह जाएगी कि भोजपुरी में अश्लीलता खत्म हो, उसी दिन आप न बंद कर सकते हैं अश्लीलता न कोई सिंगर। अगर पब्लिक सुनना बंद कर दे तो अश्लीलता खत्म हो जाएगी अचानक। रातों रात अश्लीलता बंद हो सकती है अगर पब्लिक चाहेगी तब। हम अपने घर में बजाए हैं, अपने घर वालों को शेयर किए हैं, क्योंकि सब लोग वही सुन रहे हैं, चाहे मेरे घर वाले हों चाहे किसी के घर वाले हों। तो अब यही बकलंडी बचा है, यही जो बचा है मैं उसी को गा रहा हूँ। हाँ। और कौन कौन से प्रोजेक्ट आपके आने, होली वाला भी सुन रहे हैं उसमें भी अश्लीलता आप फैला दिए हैं? होली वाला मेरा प्रोजेक्ट है, नाली में लसार देला, चोलिया के फार देला, खाके पगला ले भांग के गोलिया जी, कि हमारा के बुझेला का पगली जी, हाँ हाँ पगली जी, अशोक के ट्रेंड पूरा बदली जी, रंग पिचकारी डालम असली जी, तोहरो चित मान बदली जी, रंग पिचकारी डालम असली जी। भोजपुरी में किसको अपना आदर्श मानते हैं? भोजपुरी में हम अपना आदर्श पवन सिंह को। एक गाना हो जाए पवन सिंह का, हो सकता है कि वो भी इंटरव्यू को देखें। सनेहिया लगावल बहुत बात नइखे, नजरिया चोरावल बहुत बात होला, नजरिया चोरावल बहुत बात होला। हम मानते हैं पवन सिंह को आदर्श, लेकिन पवन सिंह भी अश्लील हैं, खेसारी भी अश्लील हैं, रितेश पांडे भी अश्लील हैं, समर सिंह भी अश्लील हैं, दिनेश लाल यादव भी अश्लील हैं। कोई ऐसा भोजपुरी का सिंगर नहीं है जो अश्लील नहीं है। अगर जो अश्लील नहीं है वो आप मुझे बताइए। अच्छा, आए दिने जो खेसारी और पवन सिंह के बीच विवाद होता रहता है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी भोजपुरी इंडस्ट्री में जा रहे हैं, अच्छा ये बताइए कि भोजपुरी इंडस्ट्री में इंडस्ट्री इतना कंट्रोवर्सी में क्यों रहती है? क्या कारण होता है कि लगातार भोजपुरी इंडस्ट्री कंट्रोवर्सी में बनी रहती है? ऐसा है कि पवन सिंह खेसारी के जो बीच विवाद चलता है, इसमें फ़ायदा बस पवन खेसारी को होता है और नुकसान सिर्फ पब्लिक को होती है। पब्लिक, जैसे आप पवन सिंह के फ़ैन हुए, हम खेसारी के फ़ैन हुए, आप पवन खेसारी के फ़ैन हुए, हम पवन सिंह के फ़ैन हुए, गाना उनका आता है, वो विवादित अपने बबुआन पे गाएंगे, वो अपने यादव बस्ती पे गाएंगे, अहिरान पे गाएंगे, ऐसा बोलिए, वो अहिरान पे गाएंगे, बबुआन पे गाएंगे, ठीक है। गाना गाते हैं और गाली गलौज किस में होता है? पब्लिक में होता है, पब्लिक में होता है। तो सबसे बड़ी मूर्ख कौन है? पब्लिक है, सबसे बड़ी मूर्ख पब्लिक है। अगर पब्लिक चाहेगी अश्लीलता बंद हो, पब्लिक चाहेगी जातिवाद बंद हो, तभी बंद हो सकता है। तो इसमें जहाँ पे विवाद स्टार्ट है वहाँ पे वो साथ में दारू पीते हैं, बैठते हैं, मजे लेते हैं और पब्लिक झगड़ा करती है, दारू भी पीते हैं। देखिए बड़ा खुलासा, विवेक पांडे का ये कहना है कि खेसारी लाल और पवन सिंह दारू पीते हैं। अब बताइए अगर इतने बड़े बड़े स्टार जब दारू पियेंगे तो गाँव में लोग दारू नहीं पियेंगे, सब लोग दारू पियेंगे। अच्छा ये बताइए कि आगे चल के आपके भी गाने अश्लीलता से ही मुक्त, मतलब अश्लील ही आएंगे कि अश्लील मुक्त होंगे? आप साफ सुथरा गाने गाएंगे कि नहीं गाएंगे समाज में, ये बताइए। हम साफ सुथरे 7 साल से लगातार गा रहे हैं। हाँ। और साफ सुथरे गाने गाने के बाद मुझे कुछ फायदा नहीं हुआ है। मैं अश्लील गाना गाया हूँ, कम से कम इतना हुआ है कि मेरे अश्लील गाने पे स्ट्राइक मारा है चैनल पे। हाँ। स्ट्राइक मारा गया है चैनल पे, कम से कम इतना तो मुझे पता चला कि अश्लील गानों पे स्ट्राइक होता है। सब लोग को पता चला गाने पे स्ट्राइक होता है तो वायरल होता है, ये होता है वो होता है। साफ सुथरे गाने आजकल आप पूजा आपके घर में हो रहा है,
वहाँ पे एक गाना भक्ति बजा, थोड़ा सा गाना बजता नहीं है कि भोजपुरी बज के नाचने लगते हैं लोग। तो बताइए अश्लीलता कहाँ से खत्म होगा, अश्लीलता पब्लिक चाहेगी तभी खत्म हो सकता है। और एक आप गाने अपने पुराने गाने सुनाए जरा, दर्शक हमारे आनंद लेना चाहते हैं, आपके अश्लील गाने को सुनना चाहते हैं, सुनाओ जरा एक आध गाना। मैं पहले आपको साफ गाना सुनाता हूँ। साफ गाना सुनते नहीं है लोग, तो इसलिए मैं अश्लील गाना स्टार्ट किया हूँ। देवी माता गाना है, सुनाइए जरा। कि मैया कबुले बुसुधिया हमारी, मैया कबुले बुसुधिया हमारी, हम तरहिया निहारल करीला, बोला कब अइबू हमरे दुआरी, हम तरहिया निहारल करीला। गाना कोई भी सिंगर गाता है वो भी चाहता कि हम अच्छे से अच्छा गाना गाएं, हमारे परिवार में किसी को दिक्कत ना हो, समाज में कोई दिक्कत ना हो, लेकिन वो इतना मेहनत करता है, एक ऑडियो या वीडियो बनाने में कितना मेहनत लगता है जो सिंगर है वही जान सकता है, और अन्यथा कोई नहीं जान सकता। सुनने वाले बस बोलेंगे गा दिया है, सुने सुने व्यू जाने। वो गाना गाता है, एक ऑडियो तैयार करने में उसको लिखना है, कंपोज करना, जाके स्टूडियो में डमी देना, वहाँ से आना है, वीडियो शूट करना है, और वीडियो जब अच्छा गाना आता है तो सुबह उठ के क्या देखता है कि 400 व्यूज आए, 500। वही अश्लील गाने पे आप व्यूज देखेंगे, आज गाना डालेंगे कल 2 लाख 3 लाख 4 लाख 1 मिलियन तक व्यूज आता है। तो पब्लिक अश्लीलता सुन रही है। आप यूट्यूब पे आप कोई भी चैनल हो, आप सीधा जो है कोई अश्लील चीज़ डालिए, तुरंत क्लिक करेंगे लोग। अगर आप कोई साफ सुथरा गए कोई क्लिक नहीं करेगा। इसमें से जितने लोग हैं उसमें से एक 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 लोग भी नहीं होंगे जो अश्लीलता को टच न करते हों, सब करते हैं। तो इसका मतलब आप भी अश्लीलता फैलाएंगे? फैलाएंगे, जब सब वही सुन रहे हैं वही कर रहे हैं तो हम भी करेंगे। क्या कहना चाहेंगे, बहुत सारे दर्शक आपको देख रहे हैं, सबसे क्या क्या कहना चाहेंगे? हम कहना यही चाहेंगे कि अगर आप लोग भोजपुरी की अश्लीलता ख़त्म करना चाहते हैं, या भोजपुरी हो या बॉलीवुड हो, बॉलीवुड में भी अश्लीलता है, सब जगह अश्लीलता, अगर अश्लीलता आपको सच में ख़त्म करनी है तो आप लोग चाहेंगे तभी ख़त्म हो सकता है। आप लोग अगर गाने को सुनेंगे नहीं तो कोई सिंगर गाएगा नहीं, आप लोग अश्लीलता सुनेंगे तो कोई भी सिंगर गाएगा, बस यही कहना चाहेंगे हम। तो आप ये देख सकते हैं, ये मेरे साथ बनारस के विवेक जी हैं, जो कि लगातार भोजपुरी इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हैं, लेकिन ये साफ सुथरे गाने गाते गाते थक गए, अब ये भी अश्लील गाना शुरू कर दिए हैं। इस पे आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।